देखें इस गौ की मिल्किंग, इस गौ की मिल्किंग कवर करते हुए संध्या के समय इसने दूध निकाला था 11 किलो 70 ग्राम ऐसा ही कुछ था, 11 किलो प्लस। गूगल गूगल प्लीज टेल मी द टाइम, गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। ये देखें 7:23 हुआ, रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लिया, 9 मार्च 2023। तो ये देखें इस गाय की मिल्किंग कवर करते हुए यहाँ पर संध्या का जो मिल्क निकाला था, दूध निकाला था, वो तकरीबन 7 बजे के आसपास, और अभी का जो दूध निकला है, निकल रहा है, वो 7:22 के आसपास। ये 20-22 मिनट का ऊपर नीचे अवश्य है, क्योंकि थोड़ा सा अगर दिन होता है तो फिर आप इसका व्यक्तित्व ठीक से देख सकते हैं। आपने बताया कि थोड़ा सा झटका इस गाय के अवश्य लगा था आने के बाद, इस बछड़ी ने 6-7 दिन तक थन नहीं पकड़ा था, तो उस वजह से थोड़ा सा गाय ने कोताही फील की है, अन्यथा ठीक है, निकालना शुरू करें। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और थोड़ा गोबर लगा हुआ है, इस वजह से बच्चिया ने अभी ठंड पकड़ा नहीं है, अन्यथा ये देखें, ये गायें हैं इनकी, जो कि हरियाणा से ही आप लेकर के आए हैं। ये देखें, लाइट की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आप अच्छे से देख पाए। शाम का दूध था 11 किलो 90 ग्राम के आसपास। हाँ, 100 ग्राम हम कोशिश कर रहे थे कि 10 ग्राम और आ जाए तो 11 किलो 100 ग्राम हो जाता, 11 किलो 90 ग्राम दूध था, और अभी का जो दूध है वो आपके सामने, छोटे भाई बांधो। ये देखें, सीमनों के ऊपर जब आप आधारित रहेंगे तो ये ब्रिड करेक्टर से बाहर बच्चिया साहिवाल सीमन की मिलेगी। एक बार साइड हो, आपकी छाया से वो पूरी लेवटी दिख रही है। हाँ, एक बार, हाँ बस ये देखें, ये इसका पूरा लेवटी अडर आंचल, ठीक है, निकालना शुरू करें, उल्टी पाल्टी दिखाएं एक बार, ये लें, ठीक है शाबाश। और ये देखें, कोई भी झिझकने का और इस तरह का जो स्वभाव है वो नहीं, बस फावड़ी से हटा दो, निकालें। ये देखिए, बिना झटका पटका दिए मुट्ठी से दूध निकालें, अडर में दिक्कतें नहीं आएंगी, तो मिल्किंग जो है वो भी एक कला है। बस ज़्यादा गाय को डिस्टर्ब ना करें, बस। तो साहिवाल नस्ल भारतवर्ष की वो नस्ल जो कि काफ़ी अच्छी दुधारू नस्ल है, थार पारकर साहिवाल गिर ये जो है दूध की नस्लें, तो एलीट जो साहिवाल हर्ड मेंटेन करते हैं, गांव है आजाद नगर, युवा साथी का नाम है मोनू जुई। तो जुई में आपने बताया कि कुछ लोग पूछते आते हैं, जुई में पूछते रहते हैं, फिर जुई में पता नहीं चलता है, तो आजाद नगर आपका गांव है, तो एक कृपया करके एक बोर्ड जुई में ऑन क्या कहते हैं उसको, स्टैंड जरूर एक लगवाएं, ताकि वहां से संपर्क सूत्र या आपसे संपर्क कर पाने में उनको थोड़ी सी सुगमता हो। ये देखें, बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है, मैं पास जाऊं झिझकने का, फूफाने का, टक्कर मारने का, पैर उठाने का, पैर बदली करने का, इस तरह का कोई अवगुण हमें नहीं देखने को मिला। ये देखें,
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका दूध अंदर ही निकालते हैं आप? हाँ भाई सर, अच्छा अच्छा ये दो गाय हैं वो अच्छा भी थोड़ी अच्छा सरों को पिलाने हैं, लगभग 24 किलो के आसपास तैयार है भाई सर। अच्छा ठीक है, एक बार मिल्किंग करें फिर उसको एक झलक दिखाएंगे। और आपने एक बात और बताई कि 20 किलो दूध, 21 किलो, 22 किलो इसमें है तैयार, इसकी जो बछड़ी अगर क्वालिटी और अच्छी आती तो और खुशी होती। हाँ भाई सर, आप अगली बार उतनी मेहनत फिर लग जाएगी, क्या पता बछड़ा दे बछड़ी दे। तो आपने बताया एक कि ये बात बीस और बीस हम किलो बता दूध देते की हैं। जो साहिवाल गायें हैं उनके बछड़े आप उपलब्ध करा देंगे अगर कोई लेना चाहेगा हाँ तो। भाई साहब बिल्कुल, तो ये जो गायें हैं, कोई भाई आगे खातर भी रुकवाना चाहता तो भी कई गाय, हम 2-3 गाय मोहरा भाई साहब 19-20 किलो दूध के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल। आके कोई भी बच्चा रुकवा सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। और आपने एक चीज और कहा कि 18 17 18 तो तकरीबन तकरीबन आप किसी को हाँ भी पकड़ लेना। किसी को भी पकड़ लेना, 18 से नीचे नहीं, 17 नहीं, 18 से ऊपर ऊपर भाई अच्छा, साहब। 18 से ऊपर ऊपर हर हाँ गाय का मिलेगा, लेकिन मजा उसी का है जो कि 20 किलो से ज्यादा ज्यादा दे, दूध हाँ दर्ज करवाए दिखाए, उन्हीं की मिल्किंग करवा रहे। अन्यथा किसी भी गाय को पकड़ लें, 17 18 18 18+ तो वे भी गायें दे रहे हैं। वही बहुत बढ़िया। भर देंगे भर देंगे, अभी तो जोश पूरा आएगा। तो संध्या का दूध था 11 किलो 90 ग्राम, 11 kg 90 ग्राम्स। शाम का दूध था, सुबह की जो मिल्किंग है, शाम की मिल्किंग थी 6:53 पर, और सुबह की जो मिल्किंग अभी कर रहे हैं ये कर रहे हैं 7:23 पर। शांत गाय, बिल्कुल शांत। ये देखें, और अभी घर में शादी का माहौल है इसलिए उतनी केयर फिर नहीं हो पा रही है। कुछ तो भाई साहब लेबर आ रही है, कुछ शादी है अंकल के बेटे की और लड़की की, इस कारण खेती खेती कितने एकड़ में करते हैं खेती तकरीबन? चालीस बटा किला मोड़ा किसी से। 40 किले में, और भी ट्रैक्टर थ्रेशर क्रैशर हाँ उन सभी चीजों का काम है, हाँ इसलिए जो है अभी लेबर तकरीबन 100+ 150+, 100 तो आ चुकी है तकरीबन, और रास्ते में है तो उनको लाना ले जाना और व्यवस्थाएं करवाना, तो इसलिए इनका जो शेड्यूल है बढ़िया, वो काफ़ी बिजी है। आराम से ये देखें, 12 घंटे के ही बाद आप दोबारा दूध जब देखते हैं तो तकरीबन झड़ने के बाद अगर वही दूध निकाल दिया तो वो दूध सत्यापित है। जब कभी भी कोई भी गाय लें, किसी से भी लें आप, हाँ भाई गोल्डन रूल साहब है, 2 3 टाइम अपनी संतुष्टि करें और फिर खरीदें। नहीं आपकी नहीं, कभी भी आप भी जाते हैं तो कितनी बार दूध मैं तो निकालते भाई हैं? साहब 2-3 टाइम तोल के लेके आऊंगा, टाइम कांडा रखूंगा अपना और अच्छा अगले से स्पष्ट कर दूंगा भाई साहब, एक दूध तोल लूंगा दोनों टाइम तीनों टाइम, अगर हाँ इतना लो तो जाए ना बोले खरी भाई बात है, खरी बात, साहब, खरा खरी रुपया देना एक बात तो बस फिर सही हम बात काम है। किस लिए पशु हाँ जाए। फिर उसका कोई उलाहना रह नहीं हाँ जाता है, एक बार गाय ने दूध निकाल दिया। दूसरे मग वगैरह में निकाल लो, फिर निकाल दो। मैं तो भाई साहब आज ये कर लो है। अच्छा, नहीं तो ये भाई अकेला निकाल लेता है। हाँ एक ही और एक उछल पकड़ ले दोनों, अच्छा तो देखें, चौड़े फेंदे की बड़ी बाल्टी ऊपर तक भरने के बाद भी न्यू जो करता है मैं हाँ डेरा करता हूँ, न्यू करता मैं डेरा करता हूँ। अच्छा वेरी गुड,
अच्छा फिर अलग है मजा, फिर अलग, हाँ बर्डन बर्डन थोड़ा कम हो जाता है दिमाग से, तो उसके बाद थोड़ी केयर और कर पाए। ये तो बंदा संभाल रहा है, ये बंदा की तरह ये सारे उस वातावरण, हाँ खुद की नहीं है अभी कुछ भी केयर। और आपने बताया कि ये जो गाय है, युवा साथी ने आगे से फोन करके आपको कहा था कि कृपया करके आप ले जाएं, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं केयर जितनी होनी चाहिए मेरी गऊ की उतनी मुझसे नहीं हो पा रही है, तो कृपया आप ले जाएं। जब आप इसे लेकर के आए थे तो ये देखें आगे से उन्होंने बताया कि अच्छे जो अगर गोपालक हैं तो आपके पास अगर जाती है तो आपके पास ज़्यादा मुझे खुशी होगी, बजाय कि किसी भी एक्स वाई जेड बंदे को और किसी को देते हैं। तो गांव है आजाद नगर जुई, युवा साथी हैं मोनू। तो ये जो साहिवाल के अच्छे पशुपालक हैं गोपालक हैं उनमें एकदम हलचल मच गई मोनू के नाम की, भाई साहब भैंस रखी, हाईलाइट होने लग गए। हाँ जी जी जी, भैंस रखी तो भी 20 प्लस की रखी, और गाय का भी शौक यो है दूध का पशु रखना है, पिन बिना दूध का कोई वो नहीं। जी जी जी, बहुत बढ़िया शाबाश। तो ये देखें सुबह की जो मिल्किंग है, कांटे को तैयार कर लें, अंदर लेकर के आओ कांटे को, अंदर लाओ, नहीं तो वो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी तो वो सामने भाई सब कमेंट आ रहा है गाय के लिए कि वैसी की वैसी रहेगी, पर दूध तुलने के बाद लेके दिखा। हां हां ठीक है ठीक है, वो बैठे रहते हैं भाई साहब ग्रुप में देखने वाले, छोटी छोटी कमी देखते हैं। हां बस 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 बस, लो बाल्टी रखो फटाफट, इसी में आ जाएगा 11 किलो दूध आ जाएगा। हां ठीक है, काटा काट दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और ये 9 किलो 790 और 10 और ये 11 लाजवाब, और ये देखें अरे 11.5 भी जाएगा भाई साहब, ये 11.5 पूरा कर दिया, और 11 किलो 620 ग्राम 630 ग्राम दूध है ये, बिल्कुल बिल्कुल। शाम की मिल्किंग थी 6:53 पर, और सुबह की जो मिल्किंग है वो है 7:23 पर। शाम का दूध था 11 किलो 90 ग्राम, और सुबह का जो है वो है 11 किलो 630 ग्राम। ये गऊ है, और ऑर्डर ये देखें झड़ने के बाद इस तरह का है, इस तरह का है। तो 22 किलो प्लस दो समय का जो दूध निकाला है इसने, 22 किलो 720 ग्राम दूध जो है वो बाल्टी में है, क्योंकि 11 किलो 90 ग्राम शाम का था, तो 11 बना टोटल दूध जो हुआ है 22 किलो 720 ग्राम, तकरीबन 23:25 के आसपास। जी बताएं, एक रिकॉर्डिंग और करवानी है, लाइव मीटिंग चलवाऊंगा या चली भी करवाऊंगा उस दिन, फिर बुलाऊंगा उस दिन। चलो ये तो अपना बंदा ने कर रखी है, इसमें भी मैंने बहुत बढ़िया खवाच कर रखी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये देखें एक रिकॉर्ड और है भाई साहब मेरा, आज की वीडियो मैंने जो जी शाम वाले टाइम तो मैं पशु का फालतू दूध निकलवाऊंगा सुबह सुबह, ये फर्क होता है, होता भी होता है। तो ये देखें ये जो गऊ है इनकी भाई लाजवाब मिल्किंग, तकरीबन 22 किलो 720 ग्राम दूध आया है दो समय का, 30 ग्राम नहीं, 630 में 90 अगर ऐड करोगे तो 22 किलो 720 ग्राम भाई, बहुत बढ़िया, करवा दो करवा दो। तो कांटे को और देखें जो टेस्टिंग है, रखें रखें भाई, बहुत बढ़िया, 1 किलो का काटा है, और 1 किलो ये देखें, ये देखें 1 किलो, और स्क्रीन पर आप देखें 1 किलो बिल्कुल सटीक। तो इतना अच्छा गौ दिखाने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो ये देखें, ये इनकी यहाँ पर है रेक कपिला, जिसका इन्होंने जिक्र किया है वो यहाँ पर। इसमें 24 किलोमीटर कर सकते हैं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और यह भी लगभग 7 महीना के आसपास ब्याई हुई है। बहुत बढ़िया।